जिंदगी में ना कोई उम्र होती है ना कोई बंधन। यदि आपके दिल में श्रद्धा है तो आप किसी भी तरह से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसी तरह का नज़ारा गोकलपुर कावड़ कैंप में देखने को मिला, जहां छोटे छोटे बच्चे भले ही कावड़ लाने में असमर्थ हो, वे इस शिविर में कावड़ियों की सेवा कर भगवान भोले भोले के आशीर्वाद के पात्र बन रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं छोटे बच्चे किस तरह से हाथ में जग और गिलास लेकर कावड़ियों को जल पिला रहे हैं। बच्चे मन के सच्चे होते हैं और सच्ची श्रद्धा से वे कावड़ियों के लिए केले और मिठाई खिलाकर उनकी सेवा कर रहे हैं। ये नज़ारा बहुत ही अद्भुत दिखाई दे रहा है। इस शिविर में आराम कर रहे कावड़ियों ने क्या कहा, सुनिए। मैं गौपुर से लेके आ रही हूँ, मैं नीलकंठ राजोरगढ़ लेके जाऊँ। अब कोई परेशानी नहीं है, भोले बाबा की कृपा है। मेरी उम्र 55 साल। यहाँ का शिविर बहुत बढ़िया है। भोले बाबा से प्रार्थना करती हूँ आज ये शिविर ऐसे ही चलता रहे और इन पे भोले बाबा की कृपा इन पे भी रहे और हम पे भी रहे। हम हरिद्वार से, हर की पौड़ी से। कोई परेशानी नहीं, थोड़ा सा दिल्ली के अंदर ही थोड़ा सा रास्ता ऐसा थोड़ा सा उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आई, बहुत प्रॉब्लम आई। वो तो बाकी सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, पुलिस प्रशासन सभी की व्यवस्था अच्छी थी। दिल्ली के अंदर थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ, 2-3 किलोमीटर का रोड ऐसा था जिसमें हमको प्रॉब्लम महसूस हुई। वहाँ पर साफ सफाई थोड़ी कम थी। हरिद्वार से खड़ी कावड़ है, परेशानी कोई परेशानी नहीं। खड़ी कावड़ है, कंधा पे धरते हैं, छड़ेगी जब उतरेंगे कंधा पर, ये जाएंगे बलेश्वर नीम का थाना। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में कावड़िया उत्तर पूर्वी जिले से गुजर रहे हैं। ये है यमुना विहार कावड़ सेवा शिविर, जहां कावड़ियों को आराम करने व खाना पीने के साथ उनकी हर परेशानी का निदान किया जा रहा है। यही नहीं, तेज गर्मी होने के कारण एक कावड़िया की तबीयत खराब हुई तो तुरंत दिल्ली पुलिस PCR की मदद से अस्पताल भेजा गया। कावड़ सेवादार कावड़ियों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। 24 घंटे खाने का इंतजाम है, नहाने का, धोने का, हर चीज़ का इंतजाम है। किसी चीज़ के भोले को कोई परेशानी ना हो, दवा की हर चीज़ की दवाई भी चाहिए तो दवाई भी है, फल फ्रूट भी है, फल फ्रूट चाहिए तो उनको चाय पानी हर चीज़ की सुविधा देने की कोशिश की जाती है। जो भोले की आवश्यकताएँ हैं वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। राजस्थान के जितने भी भोले जयपुर तक के हैं, पुष्कर जी के हैं और बाकी आप जानते हो ये तो सब मदद चलता रेला है। हर साल जो है जयपुर पुष्कर आगे मतलब रामेश्वरम तक के लिए आते हैं। जैसे जैसे महाशिवरात्रि नजदीक आती जा रही है, दिल्ली में कावड़ियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार और प्रशासन और पुलिस तीनों के लिए कावड़ियों को बेहतर सुविधा देने की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती। प्रिंस सोलंकी के साथ चलसी रघुवंशी, तेज निगाहें, दिल्ली।